हेलो फ्रेंड, आप कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं पिंकी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मुझे फीवर रात को हो गई थी और मैं दवाई खाई, क्योंकि हमारे बिहार में मौसम गर्मी है और यहाँ के मौसम में थोड़ा सर्दी है, इसलिए ठंडी है, इसलिए मैं थोड़ा बीमार हो गई थी। इसलिए मैं आज ब्लॉग लेट से स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं आपको ब्लॉग में कुछ और दिखाऊंगी। मुझे आज की ब्लॉगिंग कुछ और होगी। तो फ्रेंड, आज मैं छत पे आ चुकी हूँ अपने छत पे और मैं आज आपको दिखा सकती हूँ यहाँ का नज़ारा फ्रेंड, क्योंकि आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज मैंने चावल नहीं बनाया। हस्बैंड डांट रहे थे कि रोटी बनाओ, तो आज बच्चे लोग को भी रोटी दी हूँ, मैं भी रोटी खाई हूँ, तो इसलिए रोटी का ब्लॉग क्या बनाएं, रोटी सब्जी बनाई थी। और अभी मैं जा रही हूँ तीसरी मंजिल पर, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। फाइनली मैं तीसरी मंजिल वाली छत पे आ गई हूँ और आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। आपको मैं कितना बार, दो बार दिखा दी हूँ यहाँ का, घर से आई हूँ उसके बाद नहीं दिखाई हूँ, इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। इस साइड फ्रेंड फार्मा लाइन है, जो हाँ जहाँ मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वहाँ बहुत बड़ी सिडकुल है, फार्मासिटी है, तो मैं वहाँ भी जाऊंगी, फिर आप लोग को वहाँ का भी व्यू नज़ारा दिखाऊंगी। अभी मैं नहीं जा रही हूँ, फिर जाऊंगी तो दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं। और मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ और नीचे रोड है, देख रहा बोलेगा तो बोल दूंगी ऐसी मम्मी वीडियो कॉल पे दिखा है ना। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। फिर हम शाम को शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे, बिहार का लिट्टी चोखा बनाएंगे या सिंपल लिट्टी ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे चोखा नहीं खाते हैं बैगन।